नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। मतदान के लिए अब दिन के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अगले महीने के 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान हो जाएंगे, लेकिन अब तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची तक जारी नहीं हुई है। चुनाव घोषणा के बाद कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को देर रात कांग्रेस से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसमें बघेल का कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सहारे बीजेपी सीएम भूपेश बघेल की गंभीरता पर सोशल मीडिया में सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर के अलग अलग विधानसभा के कुल 24 नेताओं को नक्सलियों से खतरा है, इसलिए अब केंद्र सरकार ने उन्हें एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। चुनाव प्रचार के लिए इन नेताओं के साथ 2 सशस्त्र जवान तैनात रहेंगे। हालांकि ये सुविधा उन्हें सिर्फ 31 दिसंबर 2023 तक ही मिलेगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सोमवार को जिन 64 प्रत्याशियों की घोषणा की है, मंगलवार को राजनीतिक गलियारों में उन्हीं की चर्चा होती रही। भाजपा ने 90 में से 41 सीटों पर नए चेहरों को जगह दी है, लेकिन चर्चा उन नामों की हो रही है जो पहले भी चुनाव हार चुके हैं। अधिकांश जमीनी कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं हो रहा कि पार्टी ने जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़कर अपनी जमीन गंवाई थी, उन्हीं नामों को फिर से टिकट दी गई है। बिलासपुर में आचार संहिता लागू होने के बाद धारा 144 का उल्लंघन हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद जब पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल शहर पहुंचे तो उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। बंगले के सामने कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ इकट्ठा होने से सड़क जाम हो गई। छत्तीसगढ़ के 4 संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा में मानसून के विदा होने के बाद लगातार तापमान बढ़ रहा है। सभी जिलों में दिन का पारा 30 डिग्री के पार हो गया है। अगले 48 घंटे में भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। तिल्दा में सबसे अधिक यानी कि 37.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।